इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज और INN7 में आप सभी का खैर मकदम है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा हर रोज नई तारीख लिखता जा रहा है। कोरोना वबा का कहर बेलगाम और अतराफ में जब से जारी हुआ, अगर पीछे पलट कर देखते हैं तो सिर्फ कुछ ही महीने में खौफ ज्यादा तस्वीर नजर आ रही है। कभी हीरे बागेवड़ी बड़गुंडी कुर्ची का एक आध मरीज पाया जाता था तो उसी पर कई दिनों तक तबसरे हुआ करते थे, पर अब ऐसा लग रहा है कि क्या ये कोरोना की जद में हर कोई आ रहा है। फिर क्या बात है कि पिछले सिर्फ 2 दिन में 600 से भी ज्यादा पॉजिटिव मरीज पाए जा रहे हैं। शहर का हर हिस्सा सिंधौनिया लॉकडाउन किया गया है और वैसे भी सभी जानते हैं कि बाजारों की हालत क्या है। शहर बसते हैं देहात की तरफ से और देहात से लोग आकर सौदा खरीदते हैं, पर ना तो किसी दूसरे शहर या गांव से बेलगाम की तरफ रुख करने को कोई तैयार है और ना ही किसी चहल पहल कोई शहर में बाहरी लोग नजर आ रहे हैं। अगर बाजारों में किसी तरह की भीड़ नजर भी आ रही है तो तमाम मकामी ही है, कोई कुछ खरीदने के लिए नहीं आ रहा। आज इतवार के रोज भी 200 के करीब पॉजिटिव मरीज पाए गए, 10 के करीब लोगों के मरने की इत्तला हासिल हुई है। आज इतवार लॉकडाउन होने की वजह से तमाम रास्ते खामोश थे, चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। वैसे तो इंतजामिया को अब आवाम को कहने की जरूरत ही महसूस नहीं हो रही। लोगों में यकीनन कोरोना का खौफ देखा जा रहा है। बेलगाम बिम्स किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहता है, लिहाजा आज बिम्स इमरजेंसी वार्ड में गैस सिलेंडर तब्दील करते वक्त आग लगने से 3 लोग जख्मी होने की खबर हासिल है। लिहाजा शहर में फिर से बिम्स में आग लगने की खबर फैल गई। इससे पहले भी घी गली के नौजवान की कोरोना से मौत के बाद एम्बुलेंस सवारियां और अस्पताल में आग लगाने की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसमें तकरीबन 14 अपराधों को गिरफ्तार किया गया था। आज इतवार को ही उन्हीं 11 लोगों को पॉजिटिव बताया गया। गिरफ्तार नौजवानों के घर वालों ने इस पर एतराज जताया है। सभी 11 अपराध पॉजिटिव आने से इनके घरों में डर का माहौल देखा जा रहा है। यकीनन बढ़ते मरीजों की रफ्तार कहां रुक जाएगी, ऐसा आवाम में सवाल किया जा रहा है। कोरोना से मरने वालों की तादाद भी हर रोज बढ़ रही है। मुर्दा घरों में लाशों के ढेर हर रोज बढ़ते जा रहे हैं, पर एक अहम सवाल इसमें भी ये आता है कि यह देखा जा रहा है कि कई घर वाले आखिरी रसूमात यानी अंतिम संस्कार के लिए आगे नहीं आ रहे, लिहाजा बेल्लारी में लाशों को बेहुरमती से फेंकता वीडियो दुनिया भर में वायरल हुआ। इसी तरह बेलगाम सदाशिव नगर शमशान में लाशों को लकड़ियों पर फेंकता वीडियो भी वायरल हो रहा है। इससे एक बार फिर कोरोना से मरने के बाद लोग अपनों से ही कैसे दूर हो जाते हैं एक बार फिर देखने को मिल रहा है। कर्नाटक के मुख्तलिफ शहरों में और महाराष्ट्र के कई इलाकों में यह देखा जा रहा है कि मौत के बाद रिश्तेदार ही अंतिम संस्कार करने के लिए आगे नहीं आ रहे, लिहाजा कई मुस्लिम तंजीमों ने सैकड़ों हिंदुओं की लाशों को मुखाग्नि देने की वारदात देखी जा रही। बेंगलोर और अतराफ में तकरीबन 600 लाशों को पॉपुलर फ्रंट के नौजवानों ने शमशान जाकर तमाम हिंदू रस्म रिवाज के साथ आखिरी रसूमात को अंजाम देकर इंसानियत का पैगाम दिया है। इसी तरह से महाराष्ट्र के कई शहरों में मुस्लिम नौजवान हिंदुओं की लाशों को आग के हवाले कर रहे हैं। वाजा रहे महाराष्ट्र और कर्नाटक हुकूमत ने इन तमाम के इस खिदमात को सराहते हुए इंसानियत को आम करने वाले लोग ऐसा इनका जिक्र किया। ताज्जुब तो इस बात का होता है कि जब तक जिंदा रहते हैं जात धर्म मजहब पैसा रुतबा रिश्तेदारी के लिए लड़ने वाले आज कोरोना से मौत के बाद किस तरह दूर चले जाते हैं। वो लोग भी कहां जाते हैं जो समाज में हमेशा दो धर्मों के दरमियान नफरत फैलाकर सियासी मुफाद हासिल करना चाहते हैं। जरूरत है आज माशरे को ऐसे लोगों को पहचानने की। याद रखो देश भाईचारे मोहब्बत अमन की तरक्की की राहों में ही कामजन हो सकता है, लिहाजा आज ऐसे लोगों को सराहने की जरूरत है जो किसी धर्म जात पात का फर्क ना करते हुए इंसानियत के लिए काम करते हैं। भले ही देश को बांटने की कोशिश आज भी कुछ लोग कर रहे हैं, पर मुस्लिम नौजवानों ने जिस कदर हिंदुओं के लाशों को हिंदू रस्म रिवाज के साथ आखिरी रसूमात को अंजाम दिया है, ऐसा जरूर लग रहा है कि देश में कोरोना ने धर्म की लकीर को कहीं ना कहीं मिटाने की कोशिश जरूर की है। फिर चाहे राम मंदिर के नाम पर फिर से धर्म की सियासत क्यों ना खेली जाए, देश की गंगा जमुनी तहजीब को मिटाना नफरत के सौदागरों के लिए आसान नहीं है, यही इससे साबित होता है। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।